फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे टाइटन कंपनी लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे। आज वीडियो में देखेंगे आने वाले समय में इसका प्राइसेशन पैटर्न कैसा रहने वाला है, नेक्स्ट वीक में किस तरीके से मोमेंटम करेगा, इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहेंगे। अभी हम लोग जिस तरीके से इसका प्राइसेशन पैटर्न देख रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो लास्ट यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था। इस सपोर्ट जोन से इसने फिर से एक बार सपोर्ट लिया है, ठीक है। ये यहाँ से ऑल टाइम हाई लगाया, फिर इसी जोन में वापस आ गया था। इसका 1:1 हम लोग को देखे, फिर से यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश किया था, लेकिन चूंकि ये लेवल एक रेजिस्टेंस था, यहाँ से रिजेक्शन आया और यहाँ पे फिर से एक बॉक्स बना के ये ऊपर की ओर निकला है। अगर आप इसको देखेंगे, हम लोग नीचे से अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके की एक ट्रेंड लाइन आएगी, और इस ट्रेंड लाइन पे देखेंगे इस समय भी दो छोटे छोटे कैंडल बना के ये निकला था, और इस बार भी, ठीक है। एक बार ये ऊपर की ओर गया, उसके बाद दो वीक कहीं भी नहीं गया। अगर देखेंगे, अगर इस पॉइंट पे अगर सेल होना होता तो ये यहीं से नीचे की ओर निकल जाता। क्यों? क्योंकि एक दो वीक रुका था, ठीक है। यहाँ पे हॉल्ट करने के बाद हो सकता है सेलिंग कंटिन्यू होकर ये इस जोन के आसपास आए, लेकिन यहाँ से कंटिन्यू करके सीधे ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देके एक अच्छा कैंडल हम लोग को क्लोज दिया है। लास्ट यहाँ पे फ्राइडे को यहाँ पे 2.6% की अच्छी खासी यहाँ पे हम लोग को तेजी देखने को मिल रही है। अभी हम लोग ऊपर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ऊपर से हमारा इस तरीके से ट्रेंड लाइन आएगा, तो देखेंगे जो आज का लास्ट लेटेस्ट हाई लगा है, ये लगभग इसी ट्रेंड लाइन के आसपास हाई लगा है। तो आगे अगर ये फर्स्ट वीक था यहाँ पे रनिंग का, तो अगर एक वीक और रन करता है तो हो सकता है यहाँ ऊपर जाने की कोशिश करे, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो अगेन जहाँ से लास्ट टाइम से सेलिंग आई थी 3600 के आसपास का लेवल है, अगेन इस लेवल से थोड़ा सेलिंग आ सकता है। और 3600 के बाद अगर ये सेलिंग के ऊपर कंटिन्यू करता है, क्लोजिंग यहाँ पे दे देता है, तो हो सकता है कि हम लोग को बहुत ही जल्दी ये 3800 ऑल टाइम हाई जो आसपास का लेवल है, इसके आसपास हम लोग को ट्रेड करता हुआ देखे, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट वीक इसको हम लोग यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो अच्छे से पता चलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, वन डे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे हम इसको अभी देखेंगे, तो वन डे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये 3600 का एक लेवल है जहाँ से शार्प सेलिंग आई थी, ठीक है। इसके पहले भी शार्प सेलिंग यहाँ इस लेवल से आई है, सेकेंड टाइम भी आई है, थर्ड टाइम ये बहुत बड़ा एक कैंडल इसने बनाया है, ठीक है। इस कैंडल में देखेंगे तो एक दिन के कैंडल में ही बहुत बड़ा कैंडल था, उसके बाद यहाँ पे ऊपर जाके तुरंत रिजेक्शन ले लिया है, फिर से इस बार जाएगा। तो इसको क्या करना है, यहाँ पे जाने के बाद अगर देखेंगे तो वन आवर टाइम फ्रेम पे इसको इस लेवल यहाँ पे एक जोन बनाना चाहिए, और इस जोन पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। मतलब यहाँ पे लोग सेल तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बायर्स इसको होल्ड कर रहे हो, इसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग ना हो, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जाके थोड़ा साइडवेज जाए, होल्ड करे, उसके बाद ब्रेकआउट देगा, तो मतलब यहाँ पे एक अच्छे खासे बायर्स इकट्ठे हुए हैं, और जो लोग यहाँ पे बाई करके ऊपर गए थे वो ज़्यादा लोग, बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुकिंग नहीं किए, वरना नीचे की ओर निकल जाता, ठीक है। उसके बाद ब्रेकआउट देगा तो हम लोग यहाँ से ऊपर का और हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 3800 इसके आसपास जा सकते हैं, और ये 3800 वाला जो लेवल है फिर यहाँ से थोड़ा प्राइस एक्शन पैटर्न बनेगा, थोड़ा नीचे आएगा, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग ऊपर वाले लेवल जो ऑल टाइम हाई है 3900 इसके आसपास जा सकते हैं। तो फिलहाल अगर आप देख के चलेंगे तो एंट्री का जो परफेक्ट टाइम था वो इस ट्रेंड लाइन के आसपास था, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के आसपास जब ये वीकली इस तरीके से डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनाया, जब इसका हाई ब्रेकआउट हो रहा था, तो परफेक्ट टाइमिंग था एंट्री का, ठीक है। ये फर्स्ट एंट्री होती है, और ये हमारा सबसे छोटे एसएल के साथ एंट्री होती है। क्यों? क्योंकि इतना एसएल के साथ हम लोग का जो टारगेट होता है वो बड़ा होता है, 1:3-4 का टारगेट होता है। लेकिन अब जो एंट्री होगी वो ब्रेकआउट प्ले करने वाली एंट्री होती है। ये कौन सी एंट्री होती है, तो ये जब भी कोई भी शेयर ब्रेकआउट देता है, लेकिन अगर ब्रेकआउट के बाद थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, मतलब ब्रेकआउट के पहले यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया, जैसे यहाँ पे था, ठीक है। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया होता तो ऑलरेडी बायर्स यहाँ पे कुछ इस लेवल पे जो एंट्री किए होते हैं वो ज़्यादा पैसा नहीं बनाते। जैसे ही ब्रेकआउट देता तो बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर निकल सकता था, लेकिन ये चूंकि बहुत ही पास में था, बहुत जल्दी इस लेवल के आसपास आ गया था, इसलिए यहाँ से सेलिंग आ गई, राइट। लेकिन अभी देखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे ऊपर गया और ये थर्ड टाइम यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टाइम जा रहा है, ठीक है। फोर्थ टाइम जा रहा है, अगर यहाँ पे ये रुकता है इस लेवल पे, ठीक है, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना तो यहाँ पे थोड़ा सा बायर को होल्ड करना पड़ेगा। होल्ड करेंगे, अगर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से टारगेट है जो हम लोग का अच्छा खासा यहाँ से निकल के आएगा, समझ रहे हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे अगर ये इस तरीके से ब्रेकआउट मिलता है तो ये एएसएल लगाने की हमारे पास जगह हो गई। ब्रेकआउट प्ले कर रहे हैं तो 1:2-3 के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। तो एक हमारे पास सिस्टम बन जाता है कि एएसएल लगाने की जगह भी है, ऊपर टारगेट के लिए स्पेस है, और प्राइस एक्शन पैटर्न सही दिख रहा है, समझ रहे हैं। जब दो चार चीज़ें इस तरीके से मिलती हैं तो ये अच्छे तरीके से हम लोग इसको प्लान कर सकते हैं। फिलहाल अगर इस नीचे आता है तो यहाँ पे एक चैनल पैटर्न है 3200 से लेकर 3600, हम लोग इसको फॉलो करेंगे। हो सकता है थोड़ा इन लेवल्स के आसपास जाए, फिर से सेलिंग आए, स्ट्रेंड लाइन को आगे एक्सटेंड कर देंगे, यहाँ पे इस तरीके से हम लोग फॉलो करेंगे, और जब इसके बाहर ऊपर की ओर निकलेगा या फिर नीचे की ओर जाएगा तब हम लोग कुछ प्लान कर पाएंगे। अदरवाइज हम लोग को थोड़ा सा वेट करना चाहिए इस ब्रेकआउट का, और ब्रेकआउट होता है तब हम लोग को कुछ यहाँ पे, जनरली मैं जब भी हम बोलता हूँ तो हम यही समझ के रखिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ यहाँ पे प्राइस एक्शन के बाद मैं सोच सकता हूँ इसके बारे में, समझ रहे हैं।
यहाँ पे एक ऐसी एंट्री हो सकती है जो इन लोगों ने यहाँ पे मिस किया होगा, ये यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अपनी फाइनल एनालिसिस करिए किस सिस्टम को फॉलो करते हैं, किस तरीके से आप ट्रेड करते हैं उसके बाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए, पसंद आई लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।